हम लोग जो इंसान जिधर अगर चला जाए बोले वही इंसान के भीड़ में हम लोग जाए वही उसी इंसान को वोट दें। 90% चांस है कि अमर पासवान ही राष्ट्रीय जनता दल से वो सीट निकालेंगे। शिक्षा की बिहार में कोई कमी नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारे बाल बच्चा लोग सब है तो बाहर जाते हैं, बाहर से वापस चले जाते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिलता है, कोई तरह का कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे सब इतना महंगाई हो गया है। इसलिए हम लोग जिनको हम वोट देंगे तो हम तो बोल दें कि मुसाफिर पासवान के लड़का को हम लोग वोट देंगे। नमस्कार, स्वागत है द पंचायत में। द पंचायत की टीम बोचहा विधानसभा पहुंच चुकी है। बोचहा में उपचुनाव होना है। मुसाफिर पासवान के निधन के बाद देखिए उपचुनाव का ऐलान किया गया है। ऐसे में हम बोचहा विधानसभा के लोगों का हाल जानने आए हैं, किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे और क्या क्या उनके मुद्दे हैं और किन को इस बार जिताना चाहते हैं। देखिए, सभी जो उम्मीदवार हैं अपने अपने दल से चुनाव लड़ेंगे इस बार। और देखिए, यहाँ पर लड़ाई जो है आर पार की होने वाली है। इस बार मुकेश सहनी भी फील्ड में है, मैदान में है, उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा है। गीता कुमारी को, राजद ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है जो कि अमर पासवान है, मुसाफिर पासवान के बेटे दिवंगत जो कि निधन हुआ था। उसके बाद फिर बात करें हम कांग्रेस की, कांग्रेस अश्विनी कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, मुकेश सहनी रमई राम के बेटी गीता कुमारी को फील्ड में मैदान में उतारा है। ऐसे में जनता का मूड जानना बहुत अहम हो जाता है कि किस मुद्दे पर वोट करेंगे वो, क्या क्या उनके मुद्दे हैं और मैदान में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, किसको वो जिताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, परवेज आलम। परवेज जी, ये बताइए कि बोचहा में तो इस बार देख रहे हैं कि पूरा माहौल टाइट है, बोचहा से ये राजनीति पटना तक जाएगी, बिहार के सदन तक जाएगी, किसको सदन भेजना चाहते हैं आप लोग इस बार? इसमें तो सबसे बेहतर कैंडिडेट जो है सबको तो देख चुके हैं। छः महीना इलेक्शन को हो चुका है और मुसाफिर पासवान जी डेट कर गए हैं। उनके जगह पर अमर पासवान, जो वीआईपी से टिकट उनको नहीं दिया गया उसको अपमानित किया गया है। तो लास्ट में फिर लालू जी के लड़का तेजस्वी यादव जी ने उनको कॉल किया, वो वहाँ गए और राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार बन के अमर पासवान आए हैं। और 90% चांस है कि अमर पासवान ही राष्ट्रीय जनता दल से वो सीट निकालेंगे। नाम क्या बताया आपने? परवेज। परवेज जी ने बताया कि 90% चांस है, 90% चांस है मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान का जीतना। अब हम बात करते हैं किस मुद्दे पर आप वोट कीजिएगा, क्या क्या आपके मुद्दे होंगे ये बताइए हमें। बेरोजगारी और शिक्षा, ये सब। बेरोजगारी और शिक्षा जी, ये दोनों आपके अहम मुद्दे, इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जी, क्योंकि शिक्षा की बिहार में कोई कमी नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुका है। युवा लोग पढ़ लिख कर भी बाहर प्लान कर रहे हैं, कमाने के लिए जाते हैं। बिहार में अगर ऐसा होता तो बिहारी लोग यहाँ से बाहर कुछ नहीं करते, बिहार में ही ऐसा रोजगार मिलना चाहिए जो बिहार के लोग बिहार में ही काम। चलिए, और भी लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे किस मुद्दे पर और किनको वो वोट दे करके सदन में भेजेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मामा शौकत। ये बताइए कि चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, मुसाफिर पासवान का निधन हो गया है, ये बताइए अब किसको जिताइएगा और किन किन मुद्दे पर आप वोट कीजिएगा? किन किन मुद्दे पर वोट करने की कोई बात नहीं, हमारे बाल बच्चा लोग सब है सो बाहर जाते हैं, बाहर से वापस चले जाते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिलता है, कोई तरह का कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे सब इतना महंगाई हो गया है कि यहाँ पे कोई 10 रुपया कमा ही नहीं सकता है, वो क्या कर पाएगा आदमी। इसलिए हम लोग जिनको हम वोट देंगे तो हम तो बोल दें कि मुसाफिर पासवान के लड़का को हम लोग वोट देंगे। मुसाफिर पासवान के लड़का को वोट कीजिएगा, अमर पासवान को? अमर पासवान को, इसलिए कि हम लोग को सलकिल के आदमी हैं और उनको हम शिक्षक मान करके भी हम लोग चले। अच्छा, शिक्षक मान करके भी चले हैं इसलिए कि वो हम लोग को भी जानते हैं, हम उनको भी जानते थे, वो डेट कर गए तो उसके बारे में तो हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं। आपको लगता है अमर पासवान जीत जाएंगे? 90% यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जीत जाएंगे। चलिए, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं।
क्या नाम हुआ, नाम क्या, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कैसर। ये बताइए, उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, उम्मीदवार के नाम आपको पता ही होगा, अमर पासवान है, अश्विनी कुमार है, बेबी कुमारी है, गीता कुमारी है, अलग अलग दल से हैं, तो ये बताइए कि किन मुद्दे पर वोट कीजिएगा और किसको जिता करके सदन में भेजिएगा जो आपके सवाल को वहाँ रखेंगे। तो मेरे प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग जो इंसान जिधर अगर चला जाए बोले वही इंसान के भीड़ में हम लोग जाएँ, वही उसी इंसान को वोट देंगे जो बोला, नहीं बोलेगा तो कहाँ देंगे। जो बोला, कौन बोला, जो बोलेगा तो। अच्छा, जो बोलेगा मतलब जो आ करके कहेगा कि मुझे वोट कीजिए, यही कहना चाह रहे हैं ना। जो मेरे, हाँ हाँ बताइए। एक प्रेस रिपोर्टर, वन मिनट, आप हमारे प्रेस रिपोर्टर साहब से इनसे पूछ लीजिए, मंजर साहब से। हाँ, मंजर साहब से पूछेंगे, आपसे भी जानना राय जरूरी है, आप भी वोटर हैं, आप भी मतदाता हैं, आपसे जी को हम देंगे वोट, अमर पासवान जी को वोट देंगे। तो आपने देखा कि बोचहा के जो पटियासा पंचायत के जनता का क्या मूड था, क्या उन्होंने बताया, किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे और किसको जिता करके सदन में अपनी आवाज़ उठाने के लिए भेजेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही किसी बड़ी खबर के साथ बोचहा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के फिर से हाजिर होते, तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।